बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर सामने देख सकते हैं यहां बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी चल रहे हैं और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक, उनके पार्टी के जो लोग हैं वो सभी लोग मौजूद हैं, और इंजीनियर हो या फिर सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं नवादा भगवती का दर्शन करने के लिए ये सभी लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, बेनीपुर क्षेत्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं देवी से। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज ऐतिहासिक फैसला प्रोफेसर विनय चौधरी ने लिया है, और यहाँ पर जो सड़क का और पुल पुलियों का जो काम चल रहा है उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। उद्घाटन किया गया है जिस पुल का, जिस सड़क का, उसके बारे में हम बता रहे हैं। नवादा पट्टी से भागवत पट्टी तक का जो मरम्मती कार्य का आज उद्घाटन किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रखंड प्रमुख चौधरी मुकुंद राय, मनोज कुमार मिश्र, अमित राय बिट्टू, पिंटू झा, भाजपा नगर अध्यक्ष राजीव झा, धनंजय झा, चंदन झा, मुखिया सजवार, कुमुद झा, पूर्व मुखिया गौरी राय, मनोज मिश्र, दीपक मंडल, पंचायत समिति सजवार, कृष्णकांत झा, ओम प्रकाश झा, पैक्स अध्यक्ष बहेरा, श्याम यादव पैक्स अध्यक्ष जरशो, अमित राय पिट्टू, राधेश्याम पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा कमलेश झा, विजय झा, संतोष कुमार चौधरी मुखिया मकरमपुर के अलावा यहां पर सभी क्षेत्र से आए हुए जो कार्यकर्ता थे, नेता हैं, उनके समर्थक हैं। और खासकर इस कार्यक्रम की बड़ी बात बता दें कि जो इंजीनियर थे उन्हें बेनीपुर के जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि पहले के भी इंजीनियर काम करते थे और आप ही करते थे, और ये सड़क कुछ दिनों में ही टूट जाता था, और अब ये सड़क नहीं टूट रहा है और अब ये सड़क अच्छा बन रहा है, तो अब क्यों ऐसा बन रहा है अच्छा और पहले क्यों अच्छा नहीं बनता था, इन बातों पर उन्होंने इंजीनियर से बात किया है। बेनीपुर विधानसभा के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र के नवादा पंचायत में नवादा पट्टी से भागवत पट्टी सड़क मरम्मती कार्य तथा नवादा भगवती स्थान पर केवदुठान समारोह में उपरोक्त बातें कही हैं। विधायक प्रोफेसर चौधरी ने 30 लाख रुपए तथा 43 लाख रुपए की लागत से बने उक्त दोनों सड़क का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरे बिहार में सड़क और पुल पुलिया का जाल बिछाया जा रहा है, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का स्पष्ट रूप से मानना है कि हर गांव हर कस्बे की सड़क तथा पुल पुलिया से जोड़ने का काम पिछले 15 साल से चल रहा है। इसी का परिणाम है कि 3 से 4 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना तक पहुंचा जा सकता है। विकास के मुद्दे पर बेनीपुर विधानसभा को बिहार ही नहीं देश स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विधायक ने कहा कि उन्होंने हर जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि विकास के पैमाने पर वे हर तरह से सजग होकर बताएं तथा ताकि उस कार्य के लिए सौ समय पहल हो सके। विधायक ने विकास कार्यों में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि कार्यों में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है, तथा विभागीय पदाधिकारियों को भी यह बात सदैव ध्यान रखना होगा। विधायक प्रोफेसर चौधरी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा है कि वे एक सजग नागरिक होने का परिचय दें तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए सहयोग दें। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंटरव्यू सुनाते हैं और विशेष कवरेज दिखाते हैं। इससे पहले जब दिसंबर महीने में उन्होंने शिलान्यास किया था सड़क का, वो भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, और दिसंबर से लेकर जनवरी आज तक जो कवरेज जो उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है उसकी तस्वीर आपको इसी कवरेज में मिल जाएगा। जी भाग गए ठाम फोटो दुनू इंजीनियर साहब, जी साहब, मुखिया साहब, जो तीनों गोटा को बहुत भगवत रह सकते हैं, आपको किसी काम के नहीं है, जबकि हम जनित नियम की पहली के अनुसार इनका हम सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हमारा मजबूरी वह रोड की जो स्थिति रखी के लिए इनका हम इतने नहीं कि आर्थिक चीजों में भी विभाग वाले इतना अच्छा काम कर लेते हैं, आप उसको नहीं करते। हर रोड में हम अलग अलग नामांकन के लिए कोनो पैसे झूला हुआ, कोनो पहले वाला, इस तरह से नामांकन पत्र कर देते हैं, लेकिन आज ये रोड के उद्घाटन भी करेंगे, इनका टीम के
हिनकर संवेदक के कहलियनि कनिक हल्का गड़बड़ी छै, बहुत हल्का, एकरा जे अहाँ सुधारि लेबै तऽ हम एहि रोड के उदाहरण स्वरूप में हम उपयोग करब। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद और अपेक्षा करै छी एनाहिते रोड बनायल करियौ, आ नहि कि बाजितपुर मणिगाछी वाला जे रोड मे केनाहू एलहुँ हँ। जे काज बढ़िआँ करबै हम दिल खोलि कऽ हम अहाँके बधाई देब, आभार करब। काज बढ़िआँ नहि रहत तऽ हमरा से अपेक्षा नहि राखि सकब, तऽ हमरा कोनो दोसर कोनो अपेक्षा अहाँके नहि अछि। मन से हम खुलेआम कहै छी कि हमरा कोनो दोसर अपेक्षा नहि, संयोग से विधायक के हम जे दरमाहा भेटै छै से नहि लऽ कऽ हम विश्वविद्यालयके दरमाहा लै छी। तऽ मानि लिअ हमरा अगर दोसर कोनो अपेक्षा नहि छै तऽ जनताके ओहिसँ लाभ होइके चाही, जनताके लगैके चाही कि हँ हम ककरो जे वोट देलिए तऽ ओ वोट हमर पानि नहि मिल जाइ, आओर से ओ सब अहीं सबके प्रयास से एकर जेनाइके हॉस्पिटल समुचित डॉक्टर उपलब्ध छै, आ एकटा डॉक्टर आयल रहै अपन मुख्य से बड़ा बढ़िया हुनका देल छलखिन कि अहाँ आप लोग समुचित ढंग से ओपी भी नहीं कर सकते, आपके पास डॉक्टर है, तो हम अपेक्षा रखै छी कि अहाँ सबके जानकारी दऽ दै छी कि सोम अगला सोम तक से, आई मंगल अगला सोम से समुचित ढंग से ओतय मेडिसिन, शिशु, गायन और सर्जरी चारों विभाग के समुचित ढंग से ओपीडी चलत। आयोग पर हम व्यवस्था कऽ के अयलहुँ हँ कि समुचित ढंग से एहि विभाग के अलग अलग ओतय मेडिकल ऑफिसर नहि बैठ सकै, ओतय जहन विशेषज्ञ छै तऽ विशेषज्ञ बैठ सकै, ई एक्चुअली ढाल देल जे होइ छै से बड़ा गड़बड़ छै। तऽ आय आरडब्ल्यू के विभाग हम लोग सबके काज करै छथिन ताहि लए हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी, बहुत सुन्दर काज करै छथि आओर अपेक्षा रखै छियनि एनाहिते आगू काज करैत रहियौ। एतय संगोष्ठीके तैयारी भऽ रहल छै, ताहि दुआरे हमसब अपन वार्ता समाप्त करै छी, लेकिन दू शब्द लए हम अपन भाजपाके अध्यक्ष से आग्रह करबनि, ओ दू शब्द कहि देत आ दू शब्द हमर प्रमुख जी सबके धन्यवाद दऽ देबनि, बस दू शब्द कहि कऽ अपन बातके समाप्त।